हेलो फ्रेंड्स, रसोई मीना के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ अलग कचौड़ी बनाएंगे, नगेट्स सूजी का। तो आटे से भी और मैदे से भी खस्ता कुरकुरे कचौड़ी ये बनेंगे, सूजी का नगेट्स कचौड़ी। आइए हम शुरू करते हैं। तो हम एक कटोरा, मतलब मिनी कटोरा है, 500 ml सूजी लिए हैं, 500 ग्राम। तो इनको हम पहले पानी गर्म करते हैं, गैस ऑन करते हैं, ऑन कर लिए हैं। इसमें हम डालेंगे पानी, कप से नाप के 500 ग्राम सूजी है। तो दो कप पानी और आधा कप और लेंगे, टोटल 2.5 कप पानी लिए हैं। अब हम पानी में तेल डालेंगे, आप चाहे तो कोई भी ऑयल डाल सकते हैं। हम सरसों तेल डाल रहे हैं, 2 से 3 चम्मच। वही थोड़ा नमक डालेंगे, देखिए आधा छोटा चम्मच। अब पानी को हम प्लेट से ढक देंगे, उबाल आने देते हैं। तब तक के हम आपको सामग्री में दिखा रहे हैं। आपको 3 आलू लिए हैं, एक मीडियम साइज का आलू है, 2 बड़े आलू है। इनको हम छिलका उतारेंगे, उससे पहले और सामग्री दिखा दें हम आपको। इनको साइड करते हैं। तो हम वेजिटेबल ज्यादा लिए हैं, 1 कटोरी मटर है, हरी मटर छेमी को हम छिल के स्टीम कर लिए हैं इनको अच्छे से। 1 कटोरी गाजर ग्रेट कर लिए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हम गोभी को कट कर लिए हैं। अब मसाला, नमक स्वाद अनुसार हम लेंगे, होममेड जीरा पाउडर, चुटकी भर गोलकी पाउडर, धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर तीखा अनुसार आधा छोटा चम्मच हम लिए हैं, हल्दी पाउडर कलर के लिए और अमचूर पाउडर स्वाद अनुसार हल्का से डालेंगे हम चुटकी भर पर। नींबू का स्वाद कुछ अलग होता है। तो जहां तक कि नगेश कचौड़ी खास्ता की बात है, तो हम आधा छोटा टुकड़ा नींबू का रस हम निकाल लिए हैं। इनको साइड करते हैं। इनमें फ्राई करने के लिए हम 1 बड़े प्याज कट कर लिए हैं, गार्निशिंग के लिए हम धनिया पत्ता ले लिए हैं। तो चलिए हम आलू ला गए हैं, तो हम इनको देख लेते हैं। तो अच्छे से पानी में उबाल आ गए हैं। तब इनमें हम आहिस्ता आहिस्ता गैस के कम कर करके सूजी डालना शुरू करेंगे। हम मिलाते रहेंगे, पहले तेल को मिला दे, ये देखिए इस तरह से चलाते जाए, सूजी डालते जाए। और अब थोड़ी सी गैस को तेज कर दे हल्का, नहीं तो सूजी में गांठे आ जाएंगे। अच्छे से हम इनको पका लेते हैं। तो हम अच्छा फिर गया है, हम गैस के फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हम एक बर्तन में निकाल के इनको, अभी कुछ नहीं करना है हमको, सीधे पलट देना है, ट्रांसफर कर देंगे इनमें। और इन्हीं में हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे बाद में, पर फिलहाल अभी हम एक लेट से ठंडा होने तक इनको, ध्यान रहे पानी इतना ले कि आपका डो सटे नहीं नीचे में। अब इस इससे तरह से हम हम ढक देते हैं। 3 आलू हैं, तो हम इनका छिलका उतार ले रहे हैं और छिलका उतार के हम हल्का तरह से आलू को हम दबा देंगे हथेली से। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं। तो गैस के पहले ऑन कर देते हैं। इनमें डाल देते हैं सरसों का तेल, 3 चम्मच तेल का हम ले लिए हैं। तेल को गर्म होने देते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे हम हरा मिर्च, 2 हरा मिर्च काटे हैं और इनको पकने देते हैं। तो फिर हम डालेंगे प्याज, डाल देते हैं प्याज। प्याज को हम अच्छे से हल्का ब्राउन होने देंगे। प्याज ब्राउन हो रहा है तब तक आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दे रहे हैं। फिर हम डाल देते हैं गोभी। गोभी में थोड़ी सी 1-2 मिनट टाइम लगेंगे, हल्का सॉफ्ट हो गए हैं। तो सटे हुए हम मटर डाल दे रहे हैं इनमें। मटर के साथ ही हम डालेंगे गाजर। गाजर डालने और वेजिटेबल डालने का मकसद है हमारा, किसी भी तरह बच्चे बूढ़े कोई भी खा सकते हैं, क्योंकि हर घर में आजकल ऐसा चल गया है कि घर में कोई शुगर पेशेंट, कोई ब्लड प्रेशर पेशेंट है ये है, तो वहीं तो उनके वजह से भी तो बना लीजिए और वेजिटेबल भी खा लीजिएगा।
थोड़ा पकने देते हैं, लेट लगा के इनको 2 मिनट लेट लगा देते हैं, अच्छे से पक जाएंगे। बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो गए हैं, आपको दिखाते हैं हम। तो देखिए मटर भी अच्छे से हुए हैं। अभी हम इनको मसाला भूनेंगे। तो सबसे पहले हम धनिया का पाउडर डाल देते हैं और चलाते जाएंगे। इस तरह से अगर बना के खाइएगा बहुत ही टेस्टी लगेंगे। और अब डाल देते हैं जीरा पाउडर, चलाते जाएंगे। थोड़ी सी गैस की फ्लेम हम तेज करेंगे और डाल देते हैं गोलकी पाउडर। इनमें डालते हैं हम मिर्चा पाउडर, डाल देते हैं हम हल्दी पाउडर। ये देखिए कलर के लिए डालते हैं नमक। नमक से ये सॉफ्ट हो जाएगा एकदम बहुत अच्छे से। ध्यान रहे सूजी में भी हम डाले हैं नमक, तो वही हिसाब से हम नमक डालेंगे। और अमचूर पाउडर और लेमन जूस, लेमन जूस जो है तो हम उतारते समय इनको में डालेंगे। अब ही हम डाल देते हैं आलू, ताकि साथ में ही ये फ्राई हो जाएगा। देखिए हम इतना बारीकी हम हाथ से हम मैश कर लिए हैं। अब इनको 2 से 3 मिनट अच्छे से फ्राई होने दें। अच्छे से देखिए 2 से 3 मिनट में सारे वेजिटेबल और आलू सॉफ्ट हो गए हैं। और हम धनिया पत्ता डालते हैं, चला देते हैं। अब हम गैस को फ्लेम कर देते हैं और हमको मटर चूरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें सारे सॉफ्ट हो गए हैं। और नीचे उतारते हैं इनको, नीचे उतार करके डालते हैं अमचूर पाउडर, लेमन जूस, और इनमें अच्छे से मिला देते हैं। इस तरह से मिला दीजिए। कलर भी देख ही रहे हैं कितना बढ़िया बन चुका है ये। अब हम दूसरे बर्तन में निकालेंगे, थोड़ी चला लेते हैं। स्टफिंग कितना बढ़िया बनकर तैयार हो गया। तो हम एक थाली में निकाल के इनको हम ठंडा कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ठंडा होने लगे हैं, लो हम देख लेते हैं इस तरह से है। तो ये हल्के सुसु में इनको हम अच्छे से मसल मसल कर मिलाएंगे। देखिए और पैन में से ही हम थोड़ा ले लेते हैं तेल हाथ पे, इनको दोनों हाथ से इस तरह से अच्छे से डो बना लेंगे। हमको चिकना स्मूथ डो बनाना है, तो हम इस तरह से बनाएंगे। इनको खुले में भी नहीं रखेंगे हम अच्छे से। देखिए ज़्यादा नहीं हमको गूथना है इनको, थोड़ा डो को हम रखते हैं और बाकी को इनके अंदर ये ला कर रख देते हैं। और हम गैस हम ऑन कर लेते हैं, तेल गर्म हो रहे हैं तब तक हम स्टफिंग इस तरह से हम गेट के लिए हम डो बनाएंगे। देखिए बहुत ही आराम से इस तरह से हम गोल गोल लोई बना करके हम रख लिए थे स्टफिंग का, इस तरह से भर लेंगे हम इनको। बहुत ही अच्छे से ये स्टफ हो जाएंगे। देखिए हम यहाँ रखते हैं आप देख लीजिए, इसी तरह से हम इतना भर लिए हैं, बाकी को बाद में भरेंगे। थोड़ा सा हम देख लेते हैं, थोड़ा सा सूजी का जो डो है हम डाल कर देख लेते हैं। तेल बहुत अच्छे से गर्म है। अब इनको हम निकाल लेते हैं और इनको लो फ्लेम पर ना तले। तो अब हम धीरे धीरे से सारे नगेट को आराम से डाल देते हैं, थोड़ी हाथ की सावधानी बचा करके ऊपर से नहीं डालें, आराम आराम से इस तरह से डाल दीजिए, क्योंकि उबलता हुआ तेल है
तो हम डाल दे रहे हैं इसी तरह से, बाकी का भी हम भर लो, अच्छे से पलट लेते हैं इनको, तुरंत ना पलटे, 3 से 4 मिनट हो जाएंगे तो इनको पलट लीजिएगा, बहुत अच्छे से ये पलट जाएंगे। अब इनके हम ब्राउन होने तक, तब तक बाकी जो हमारा नगेट्स का 2 बचे हुए हैं उनको, नगेट्स बहुत ही अच्छे कलरफुल बने हैं और इनमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। ये देखिए निकाल दे रहे हैं इनको, और खाने में उतना ही टेस्टी लगेंगे। देखिए हम सारे को निकाल लिए हैं, मिर्च के साथ हम गार्निशिंग कर लिए हैं हरी चटनी के साथ, तीखी वाली चटनी और ये लाल चटनी। तो इस तरह से गार्निशिंग ये है, आप इस तरह से बनाइए और खाइए। कैसा लगा हमारा नगेट्स कचौड़ी आपको? तो खास करके आपको छोटे मोटे जो फंक्शन पार्टी है, जैसे बर्थडे हो गया बच्चे का, ये रिसेप्शन है, तो उनमें ये बहुत ही इंटरेस्ट खाएंगे लोग, क्योंकि नए रेसिपी है। तो नगेट्स कचौड़ी इस तरह से बनाए, मैदा और आटे के कचौड़ी से भी खास्ता कचौड़ी है बनेंगे। तो देखिए आप एक वो हम दिखाते हैं आपको, एक पीस तोड़ करके हम आपको, ये देखिए कितने खास्ते हैं और देखिए दिखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से बनाइए, खाइए, कैसा लगा कमेंट जरूर करके बताएं, और कमेंट में अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो अगर हमारे नए दोस्त फ्रेंड हैं तो हमारे रसोई मीना की चैनल के यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, बेल आइकन दबाना बिल्कुल फ्री है भाई, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने के लिए मिलेगी। तो शेयर लाइक कर